हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आप एडोब फोटोशॉप में किसी भी फोटो का बैकग्राउंड चेंज कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग अभी देख रहे हैं कि मेरे पास कुछ इस प्रकार से फ़ोटो था। यह मेरा पहले का फ़ोटो था और जब मैं उसमें बैकग्राउंड मैंने चेंज किया तो कुछ इस प्रकार से मैं बनाया हूँ। तो अगर जो भी चाहते हैं कि हम भी किसी भी फोटो का बैकग्राउंड चेंज करें तो किस प्रकार से आप कर सकते हैं एडोब फोटोशॉप में, सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा। चैनल पर नया हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सारा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको चलिए मैं समझाता हूँ कि आप एडोब फोटोशॉप में किस प्रकार से बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं फोटो का। सबसे पहले दोस्तों मैं इस फोटो को क्लोज में कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। क्लोज मैंने किया है। क्लोज करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, कंट्रोल ओ बटन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मैं कीबोर्ड से कंट्रोल ओ बटन को मैं प्रेस कर लेता हूँ। कंट्रोल ओ बटन को प्रेस करने से क्या हुआ कि आप अपने लोकेशन से जहाँ पर भी आपका फोटो रखा हुआ होगा वहाँ से आप अपने फोटो को ओपन कर लीजिएगा। चलिए मैं अपने फोटो को मैं ओपन कर लेता हूँ। कुछ इस प्रकार से मैं यहाँ से ओपन कर लिया हूँ। आप भी अपने किसी भी फोटो को ओपन कर लीजिएगा जिस फोटो का आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं। तो मैंने ओपन कर लिया दोस्तों। फोटो ओपन हो जाने के बाद दोस्तों आप अपने फोटो को जूम कर लीजिएगा। जूम करने के लिए आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस का यूज कीजिएगा और जूम आउट करने के लिए कंट्रोल माइनस का यूज कीजिएगा। तो मैं फोटो को जूम कर लेता हूँ। इस प्रकार से आपको जितना भी लगता है उस हिसाब से आप जूम या फिर जूम आउट रख सकते हैं फोटो को। तो मैंने इस प्रकार से फोटो को जूम किया है। जूम करने के बाद दोस्तों आपको टूल पैनल पर चलना है। टूल पैनल में एक ऑप्शन आपको मिलेगा पेन टूल का, इस प्रकार से रहेगा पेन टूल। इस टूल को आपको सिलेक्ट कर लेना। चलिए मैं पेन टूल को मैंने सिलेक्ट किया है। पेन टूल को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों अब मैं क्या करूँगा, पेन टूल की सहायता से अपने पूरे फोटो का जो बॉडी का पार्ट है, पूरा बॉडी का पार्ट, उसे मैं सिलेक्शन बनाऊंगा। सिलेक्शन किस प्रकार से बनाएंगे चलिए मैं वो आपको समझाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, पेन टूल से सिलेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक जगह क्लिक करना होगा। चलिए जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से जैसे थोड़ा सा आपको पॉइंट दिखाई देगा। दोबारा से क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा, लाइनिंग की तरह आपको दिखाई देगा। तो कुछ इसी प्रकार से आपको क्लिक करते हुए अच्छी प्रकार से सावधानी से आपको सिलेक्शन बनाना है। पूरा बॉडी का आपको सिलेक्शन बना लेना है, पूरा नीचे तक के, और इसी सिलेक्शन को आपको पूरा घूरते हुए आएगा, यानी कि इस तरीके से मूव करते हुए हुए आइएगा और जहाँ से आपने शुरू किया था इसी वाले पॉइंट पर आपको आकर मिलाना है। चलिए मैं आपको सारा प्रोसेस में आपको समझाता हूँ। और इस प्रकार से मैं नीचे की ओर चल रहा हूँ। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप अच्छी प्रकार से सिलेक्शन बनाइएगा तो आपका फोटो का जो रिजल्ट आएगा वो बेहतर आएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको सिलेक्शन बनाना है जैसा कि आप लोग अभी देख रहे हैं। तो कुछ इसी प्रकार से आपको थोड़ा सा टाइम देकर सिलेक्शन बना लीजिएगा। चलिए मैं फटाफट सिलेक्शन बना लेता हूँ ताकि वीडियो लंबा नहीं हो और आप अच्छी प्रकार से समझ भी पाएँ। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आप जहाँ से पॉइंट को शुरू कीजिएगा उसी पॉइंट पर आपको मिलाना है। तो आपने देखा कि मैंने पूरे बॉडी को इस तरीके से मैंने सेलेक्ट किया और मैं वहीं पर जाकर इस पॉइंट को इस प्रकार से मिलाता हूँ। इसी प्रकार से आपको भी उस पॉइंट पर जाकर के मिला देना जहाँ से आपने शुरू किया था। तो इस प्रकार से मैंने देखिए मिलाया तो कुछ इस प्रकार से आपको वहाँ पर सिलेक्शन दिखाई देगा। इतना काम दोस्तों आपको कर लेना है। इतना काम करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको राइट क्लिक करना है फोटो पर। इस प्रकार से जब माउस से राइट क्लिक कीजिएगा तो एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा मेक सिलेक्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर फेदर में जीरो रखना है और उसके बाद यहाँ से आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है। तो आपका फोटो इस प्रकार से सिलेक्शन बन जाएगा। अब आप इस फोटो को किसी और नए बैकग्राउंड पर ले जाकर पेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं दोबारा से कंट्रोल ओ बटन को मैं प्रेस करता हूँ और जो मैंने बैकग्राउंड इंटरनेट से डाउनलोड किया था आप अपने हिसाब से वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उसे मैं ओपन कर लेता हूँ। तो इस तरीके से मैंने ओपन किया है और इस वाले फोटो को इधर मैं रखता हूँ। अब आपको क्या करना है, टूल पैनल से मूव टूल को सिलेक्ट कर लेना। चलिए ये होता है मूव टूल, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको फोटो पर क्लिक करना है और यहाँ से फोटो को उठा लेना है, यानी कि माउस से क्लिक कर इस प्रकार से लाकर इस वाले बैकग्राउंड पर ला करके पेस्ट कर देना है। देख सकते हैं कि आपका फोटो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपको कीबोर्ड से कंट्रोल टी बटन को प्रेस करना है। कंट्रोल टी मैंने किया और अपने हिसाब से आप इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं, साइज को बढ़ा सकते हैं या फिर कम भी कर सकते हैं इसमें। तो कुछ इस प्रकार से मैंने किया है और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर में आपको मिल जाएगा ऑप्शन टिकआउट करने का या फिर आप इंटर बटन को भी प्रेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि मैंने किया। तो देख सकते हैं दोस्तों मेरा फोटो का जो सिलेक्शन बना था वो काफ़ी बेहतरीन बना था, इसलिए रिजल्ट मेरा बेहतर आया है। यह देखने में आपको नहीं लग रहा है कि यह फोटो मेरा एडिट किया हुआ है,
यह बिल्कुल रियल में लग रहा है। इसलिए आपका जितना बेहतर सिलेक्शन बनेगा उतना बेहतर आपका रिजल्ट आएगा। तो इस प्रकार से आप सिलेक्शन बना लीजिएगा उसी प्रकार से। अब आप चाहें तो दोस्तों तो थोड़ा सा पिक्चर में थोड़ा सा ब्राइटनेस कलर को मैनेज कर सकते हैं। मैनेज करने के लिए आपको कंट्रोल एल बटन को प्रेस करना है। इससे आपका क्या हुआ कि आपका कलर का लेवल जो थोड़ा सा रहेगा थोड़ा सा बढ़ेगा, या फिर आप चाहें तो घटा भी सकते हैं। थोड़ा थोड़ा आपका यूज कर लीजिएगा। चलिए यहाँ से मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ। कंट्रोल यू बटन को मैं प्रेस करता हूँ और थोड़ा सा मैं इसमें भी कलर मैनेज कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से कलर को मैनेज कर सकते हैं दोस्तों। जब आप इसका यूज कीजिएगा तो खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने इस प्रकार से किया। उसके बाद मैं यहाँ से ओके पर क्लिक कर देता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने अपने फोटो को बैकग्राउंड में इस प्रकार से मैं चेंज किया हूँ। तो आप भी अपने फोटो का किसी भी फोटो का बैकग्राउंड इनके पेन टूल की सहायता से आप किसी भी फोटो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं इसी प्रकार से। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको इसे सेव भी करना सिखा देता हूँ। सेव करने के लिए आपको फाइल पर क्लिक करना होगा, सेव पर क्लिक करना होगा और इसमें आपको फॉर्मेट में JPG को सिलेक्ट कर लेना होगा। फाइल नेम जो भी आप देना चाहते दे दीजिएगा। सेव पर क्लिक कीजिएगा, आपका फोटो अपने आपके ड्राइव में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों यह एक छोटा सा प्रोसेस है दोस्तों। अगर जो वीडियो आपको ठीक लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम कंप्यूटर सेलेक्टर इसी प्रकार से वीडियो बनाते रहते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।